महिलाओं को अधिकार दिलाने उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने बड़ी संख्या में महिलाओं की बैठक हाउसिंग बोर्ड स्थित सूर्य कुंड तालाब परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य रूप से वरिष्ठ समाज सेवी और कांग्रेस नेता राजू चंदा उपस्थित हुई। सभी ने मिलकर अपनी बातें शासन प्रशासन तक पहुँचाने संकल्प लिया। वरिष्ठ समाज सेवी और महिलाओं के अधिकार के लिए संघर्ष करते आई हाउसिंग बोर्ड निवासी राजू चंदा के नेतृत्व में अनेकों महिलाओं की बैठक हाउसिंग बोर्ड स्थित सूर्यकुंड तालाब परिसर में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न वार्डों से आई महिला समितियों की अध्यक्ष भी शामिल हुई। बैठक में मुख्य रूप से महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, महिलाओं के बैठने भवन और शासकीय योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद महिला तक पहुँचाने संकल्प लिया गया। साथ ही यहां आई महिलाओं ने राजू चंदा को पेंशन से वंचित रहने की जानकारी देकर अपने वार्डों की विभिन्न समस्याओं से भी अवगत कराया। बैठक में प्रत्येक महिला की समस्या को नोट कर उसके निराकरण के लिए शासन प्रशासन तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया। समाज सेवी राजू चंदा ने बैठक को लेकर जानकारी दी। मैं आर चंदा राजू चंदा जी बोल रही हूँ कि जो जिला महामंत्री पहले महासचिव थी, तो मैं ना आप लोगों से इन सारी महिलाओं के आज सब एकत्रित हुए हैं, मुझे आज स्वागत में बुलाया है इन महिलाओं ने। तो मुझे यहाँ पता चला है कि सारी महिलाओं का एक ही परेशानी है कि उन महिलाओं को पेंशन नहीं मिल रहा है और ना ही कभी कुछ भी नहीं मिला है आज तक इस एरिया में ना कोई भी सुविधा। जैसे इन लोगों को ना पेंशन मिल रहा है, ना इन लोगों को कोई भवन बना के दिया है आज तक, ना इन लोगों के लिए कुटीर उद्योग के लिए कुछ तैयारी हुआ, कुछ नहीं। तो आज ये महिलाएँ 100-100 महिलाओं की एक एक समिति बनाई हैं और इन लोगों का कहना है कि इनको कुटीर उद्योग चाहिए और इन लोगों को पेंशन चाहिए और क्या बोलते हैं जो हमारे बाल विकास, तो मैंने बाल विकास के लिए बात किया था सर से, उन्होंने ही बात किया था मुझसे, देवेंद्र यादव जी के पास गई थी, मैंने उनके लिए लेटर भी बनाया है, ये देखिए लेटर, उनके लिए लेटर बनाया था ये फूलो देवी के लिए। जिला हमारे जिला अध्यक्ष जो हमारी सुभद्रा सिंह मैडम है उनके लिए भी बनाया है, तीनों के लिए बनाया था मैंने कि इन महिलाओं का आवाज़ चाहिए, क्योंकि जो हम लोग वोट मांगने जाते हैं इन लोगों के पास में, अगर हम इन लोगों के लिए कुछ करेंगे नहीं तो इन लोगों को हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, जो आज तकलीफ में एक माँ के पास आए हैं और वो अपनी व्यथा सुना रहे हैं एक माँ के पास, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इन बेटियों के लिए कुछ तो कर सकूँ। मुझे ना कभी ये भीड़ को देख करके आप लोग ये मत अनुमान लगा लीजिए कि मुझे इलेक्शन में खड़े होना है, मुझे इलेक्शन में कभी नहीं खड़े होना है, ना मेरे को पार्षद बनना है, ना मुझे कोई भी बनना नहीं है, मुझे सिर्फ इस महिलाओं के लिए अगर मैं अधिकार दिलाती हूँ और सरकार अगर इस अधिकार देती है इन लोगों को, तो हम उस सरकार के साथ में तह दिल से उनके लिए हम हर काम करेंगे। अगर ये महिलाओं की जो जो मांगे हैं, एक छोटी छोटी मांगे हैं, जो इन लोगों का पेंशन, कुटीर उद्योग और एक भवन, आज इन लोगों का कहना है कि हर जेंट्स के पास में एक गणेश मंच और दुर्गा मंच है और हर लोगों के पास कार्यालय है जेंट्स के पास में, लेकिन इन महिलाओं के लिए नहीं है, क्यों आज ये अनाथ की तरह यहाँ रोड में बैठी है। जिन महिलाओं के लिए हम लोग चीख चीख के कह रही है हमारी सरकार कि महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए है, तो आज महिलाओं के लिए अगर सब कुछ करा होता तो ये महिलाएं यहाँ नहीं होती, ना कि ये महिलाएं यहाँ पहुँचती मेरे पास। तो आप लोग, आप जितने भी हमारे बड़े अधिकारी हैं, जो हमारे देवेंद्र यादव जी हैं, जो विधायक जी और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय और हमारी फूलो देवी और सुभद्रा मैडम, मैं उन लोगों से निवेदन करती हूँ ताकि वो इन महिलाओं के लिए वो सुविधाएं सब दे सकें और बाल विकास इन लोगों को चाहिए। तो बाल विकास के लिए तो मैं क्या, वो तो सर ही बोले थे, देवेंद्र यादव जी ने खुद ही बोला था कि मैं आपको दे रहा हूँ बाल विकास का, वहाँ ट्रेनिंग वगैरह सेंटर खोलते हैं करके। तो वो सारी जितने भी हमारे नगर निगम में जितने भी टेंडर होता है हर लोगों के लिए, तो ये महिला भी कर सकती है। आप लोग महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बोलते हैं सशक्तिकरण, इन लोगों की आवाज़ से मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज़ नहीं है ये, इन महिलाओं का है, लेकिन ये बोल नहीं पा रही है इसलिए मुझे बैठाए हैं यहाँ पे बोलने के लिए, कि इनका कहना है कि जब हर नारी को, नारी सशक्तिकरण है, नारी के लिए ये है, नारी के लिए वो है, नारी के लिए ही सारा कुछ है, महिला वो है, महिला ये है, लेकिन कहाँ है? आज भी सूरज के सामने में इन लोग लालटेन लेके घूम रहे हैं ये महिलाएं हमारी। तो मैं हर जगह की महिलाओं से मिल चुकी हूँ और वो सारी महिलाओं का कहना एक ही है कि हम लोग। बैठक में विभिन्न क्षेत्रों से शामिल हुई महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हम लोग को महिला का जो मिलता है अधिकार वो चाहिए, जो वार्ड नंबर से लागू है, वार्ड नंबर 23 से हैं हम लोग,
जैसे कि महिला के लिए हम लोग को भवन वगैरह चाहिए, वो हम लोग के लिए लागू नहीं है। जो सब है दुर्गा मंच है और गणेश वो मंच है, सब चीज़ है, वो सब जेंट्स लोगों के लिए है। तो हम लोग के लिए औरत लोग के लिए कुछ चाहिए। वार्ड 23 से मैं बोल रही हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी हमारी महिला के लिए कुछ भी योजना अभी तक लागू नहीं हुई है। बाल विकास योजना में पूरे 12 बाल विकास योजना में पूरे 12 ठोक है, बाकी उसमें से एक भी हमारे महिला को अभी तक मिला नहीं है। ना हमारे तरफ उद्यान बना है, ना हमारे तरफ भवन बना है, ना पैसा पेंशन मिलता है, जबकि पेंशन सब जगह लागू है। हमारे मोहल्ले में लागू नहीं, हमारे क्षेत्र में अभी तक लागू नहीं हुआ है। और ना हमारे बच्चे लोगों के लिए खेल का उद्यान बना है, मतलब हमारे तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। और ना कुटीर उद्योग अभी तक बना नहीं है कि हमारी महिला। हम ये चाहते हैं कि जितना भी अभी बाल विकास योजना के अंतर्गत आता है वो हमको मिलना चाहिए। हमारी सब औरत लोगों को पेंशन भी नहीं मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए। हमारे तरफ बूढ़े बुजुर्ग हैं, पेंशन हमारे बुजुर्ग लोग हैं, वो लोगों को पेंशन अभी फिर बंद कर दिए, वो लोग परेशान हैं। हमारे तरफ महिला लोग आगे बढ़ के कुछ काम नहीं कर सकते क्योंकि हमको सपोर्ट ही नहीं मिलता बिल्कुल। और हम चाहते हैं कि हमको आगे बढ़ने के लिए सहायता दिया जाए। हम महिलाओं को अपने रोजगार के लिए मतलब चाहिए, जैसे कि महिला को बाल उद्योग का जैसे 13 योजनाएं हैं हमें चाहिए। जैसे सब औरतों के लिए मंच, आदमियों के लिए मंच रहते हैं, गणेश मंच है, कार्यालय है, हमारे औरतों के लिए भी, औरतों के लिए महिला समिति मंच चाहिए। हाँ जी। और हमें अम्मा से बोलते हैं कि अम्मा हम सब यहाँ महिलाएं आपके पास आए हैं, आपने हमें आगे लाए हैं, तो हमें रोजगार दें। हमारे जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनके पेंशन नहीं है, बेरोजगार हैं, उनको विधवा पेंशन है, सब चाहिए। स्कूल के बच्चों को जैसे काम के लिए होते हैं, उनको काम के चाहिए, बहुत चीजें हमें आगे आके। कोरोना काल में बहुत परेशानी हुई, मतलब जिसके घर का जेंट्स लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं अभी, हाँ। परेशानी है, हाँ। घर नहीं चल रहा, तो हम चाह रहे हैं कि उनका साथ दें, हम आगे आके कुछ काम कर सकते हैं। बहरहाल बैठक में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने, शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने, महिलाओं को एक सूत्र में बांधने, अन्य वार्डों में भी बैठकें करने का निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न वार्डों से आई बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।